भैया जी कहिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। काशी ना आए, वाराणसी ना आए तो बात बनती नहीं है। बात इसलिए नहीं बनती है कि आराध्य के आराध्य वहां रहते हैं, इसलिए नहीं। बात इसलिए कि जो आपके वाणी से निकलता है वही ब्रह्म वाक्य होता है। तो आज यहां आया हूं, इसके बाद सीधे गाड़ी जो है पहुंचेगी अयोध्या। तो अयोध्या से पहले जो आना था वो तो काशी ही आना था। तो राम के आराध्य की नगरी ना आता तो बात अधूरी रहती। वृंदावन से चला ब्रज क्षेत्र से शंकर महाराज जी, वृंदावन से चला ब्रज क्षेत्र से अवध पहुंचा, अवध से संगम तक डुबकी लगा के सीधे काशी वाराणसी। आप सब लोगों से बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन आज एक खास बात भी कहनी है आपसे। ये जो बड़ी स्क्रीन आज लगी है आपके सामने, इसमें कुछ खास होने वाला है। और खास ये है, ये अगर मैं बता दूं तो फिर वो खास नहीं। मैं मेहमानों से पहले तारुफ करा दूंगा, परिचय करा दूंगा आपका, लेकिन उस खास के बारे में आपको गिनती गिननी पड़ेगी। और जब आप गिनती गिनेंगे तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा। आज की सभा में बहुत अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के लोग बैठे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज हमारे एडवोकेट भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉक किया है रैंप पे, वो मौजूद है, कि जो फैशन इंडस्ट्री से हैं, बहुत सारे लोग। मैंने तो कहा ना, काशी ना आता तो मामला बनता नहीं, वाराणसी इसीलिए आए हैं। अरे ऐसे ना देखो भाई, नाराज हो क्या हमसे? क्या नाम है भाई? आशीष गुप्ता। आशीष नाम है। आशीष, आशीष जी क्या काम करते हैं? मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है, वाह, कम्युनिकेशन के आदमी हैं आप। बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले परिचय करा देता हूं जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर जमाल लारी साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली जो हमारे साथ शो में शरीक हुए, बहुत हृदय से आभारी हूं, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता हैं। आगे बोले या भैया जैसे तुम जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसे बताओ हमें। धर्मेंद्र सिंह जी की बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र चौबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। लगाओ तो पूरा लगाओ, वरना ना लगाओ इनके लिए भी लगाओ। वकील साहब है ना, आप तो एडवोकेट हैं। हुजूर आली मेरी तालाब में सब सारे लोग पानी पीते हैं, एक नहीं पानी पी सकता, या तो एक के लिए नहीं या फिर सबके लिए, बराबर चलेगा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, ज्ञानवापी केस के पैरोकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, आप भी ज्ञानवापी केस के वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे जब मैं जा रहा था, घूम रहा हूं जगह जगह, तो साधु संत समाज से भी हमारी भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है। और आज विशेष तौर से जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जो यहां पे आसीन हैं पद गरिमा के साथ, मैं उनका यहां पे अभिनंदन करता हूं। उनका नाम है स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, आप सुमेरु पीठ के शंकराचार्य हैं, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। साध्वी गीतांबा प्रीत जी हैं, प्रमुख है पीतांबर आप मठ से, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आप इस ठंड में भी आपने मेरे लिए समय निकाला, मैं बहुत आभार। मैंने सोच रहा था कि मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे आप, लेकिन हमने मुस्कुरा दिया कि यानी अब थोड़ी सी तो मामला बढ़िया बन जाएगा, थैंक यू सो मच। और वो जो तमाम सारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे भी धीरे धीरे आपका तारुफ कराऊंगा। 57 हो गया, 2 मिनट और है, मैं आपसे बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बातचीत का वो जो मैंने बताया गिनती गिनना है। और आज देखता हूं उल्टी गिनती, कौन जल्दी अच्छी अच्छी गिनता है। क्या नाम है भैया? दीपक। खड़े हो दीपक, क्या काम करते हैं? सर मेरा चाय का बिजनेस है। चाय का बिजनेस है जी। तो चाय की दुकान है या चाय की पत्ती की? चाय पत्ती की दुकान है। काशी में नहीं पैदा हुआ तो क्या समझदारी नहीं है क्या मेरे पास? जैसे इन्होंने कहा, मैंने समझ गया ये चाय पत्ती की दुकान होगी। तो भैया कुछ बोलना है? सर मैं यही कहना चाहूंगा, आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है सभी पक्ष में ही हो, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हमारे काशी नगरी में आप आए, और आकर जिस मुद्दे पर चर्चा होगी, राम नगरी है, अयोध्या नगरी है, काशी नगरी है, और जहाँ महादेव की नगरी है, अगर यहाँ आप आए हैं तो आपको आपको भी जो है कि आपका आपको हम साक्षात नमन करते हैं। बस 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 बस, इससे ज्यादा नहीं। जी 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 जी। और जनाब आप? साकिब भारत। साकिब जी, साकिब भाई आपका राम के बारे में क्या कहना है? बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत वर्षों का जो झगड़ा था वो समाप्त होता दिख रहा है। आ!
शाकिब भाई कहते हैं कि जो बरसों का जो झगड़ा था वो खत्म होता दिख रहा, और बात में और आगे अगला सेंटेंस, राम हमारे देश के आदर्श हैं और शांति के प्रतीक है, हमें लगता है कि अब देश जो शांति के रास्ते पर चलेगा और जो गंगा दुमी तहजीब वो दिखेगी। ये सिर्फ यहाँ ही हो सकता था, काशी से ही कहा जाता। शाकिब भाई मेरा मन गदगद है अभिनंदन, इसलिए नहीं क्योंकि ये वाक्य सुने, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि जो हमारा देश का जो गंगा जमुनी संस्कृति है वो दिखेगी, आगे बढ़ेगी। मैं जरूर आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे ले जाऊंगा। जी 59 हो गया, मेरे पास आवाज आई 59 हो गया। वकील साहब तो कल भी हुआ था 59, लेकिन आज क्या खास है, महत्व है, हैं? आज आपकी उपस्थिति और ये जो आपने रिदम बनाया है वो उल्टी गिनती का हम लोग इंतजार कर। तो आज देखता हूं कि काशी उल्टी गिनती कैसे गिनती है, और मैं भी इंतजार में हूं। जी तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। तो क्या खास है, मैं चलता हूं घड़ी की सुई 6 और ये देखिए खास। बोलो सियावर रामचंद्र की, प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन ये सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम।
सिया राम सिया राम। ओ वाराणसी में वाराणसी में लॉन्च होते ही न्यूज 18 नेटवर्क का ये सॉन्ग आपकी जुबान पे चढ़ गया। क्या है सॉन्ग जरा बताइए। ना 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 अभी मजा नहीं आया भाई। एक बार जरा लय में बताइए क्या है गाना। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। अप्पा जी मुझे मालूम है आज आप इंतजार कर रहे होंगे भैया जी मैं आज ये क्या हुआ। आज ये होना ही था जब अयोध्या से पहले मैं काशी में पहुंचा हूं तो कुछ तो नया होना ही था। लेकिन उधर अयोध्या में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगा फिर वापस यहीं लौटूंगा फिर आपसे बात का एक सिलसिला जोड़ूंगा जो रोज शाम को मैं जोड़ता हूं। मुझे मालूम है थोड़ी देर आपको पोस्टर अपना लपेटना पड़ेगा, मैं बात के बाद में आपके सारे पोस्टर देखूंगा। लेकिन सबसे पहले सीधे पंकज के पास चलूंगा जो सरयू के तीरे अयोध्या में मौजूद है, तो यहाँ के आराध्य से वहाँ के आराध्य तक। जी पंकज। प्रतीक कमाल कर दिया आपने। देखिए आप भगवान राम के आराध्य भगवान शिव की नगरी काशी में है तो मैं रामलला की नगरी अयोध्या में हूँ और इतना सुंदर उपहार आपने अभी दिया है न्यूज 18 इंडिया का ये रामलला का गीत जो एक्सक्लूसिव गीत जो आपने अभी सुनवाया है उससे यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अयोध्या में वो जय श्री राम की गूंज अब आपको सुनाई देगी। जय श्री राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम हे राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया सिया राम राम सिया राम जय सिया राम। और हमारे साथ अयोध्या वासी हैं राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार जरा अयोध्या भी दिखा दे भगवान राम की नगरी दिखा दे कि किस तरह का ये गाना आप एक बार जरा अगर जोर से बोलें। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। मजा नहीं आ रहा जरा डांस भी हो जाए थोड़ा सा अगर आप बाहर निकल कर आए तो। राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। तो आप देख सकते हैं प्रतीक राम सिया राम की गूंज यहाँ अयोध्या में भगवान राम लला की नगरी में जैसा कि काशी में आपने दिखाया वैसा ही। तो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम। तो आप देख रहे हैं प्रतीक की किस तरह से ये जो नया गीत
न्यूज 18 इंडिया पर रामलला के लिए तैयार हुआ, उसको लेकर अयोध्या वासियों में कितना जबरदस्त उत्साह है। जैसा उत्साह काशी में है, वैसा ही रामलला की नगरी अयोध्या में भी है। प्रतीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात वहीं सरयू के तट पर होगी और मैं आज यहाँ गंगा के तट पर मौजूद हूँ और गंगा जल लेके अभिषेक के लिए वहाँ पे निश्चित तौर से और निश्चित समय पर मैं कल वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राम सिया राम सिया विश्व कल्याण हो, राम सिया राम सिया राम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाम प्रणाम सियाराम आते ही काशी में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि जुबानों पर रट गया, लेकिन इसको लिखने वाले, रचने वाले, इसको संवारने वाले म्यूजिक से वो सब मौजूद हैं, तो जानना तो पड़ेगा ना कि वो लोग कौन कौन मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे स्क्रीन पर वो गेस्ट जहां पे सामने नजर आए तो बातचीत का एक सिलसिला बहुत अच्छी तरह से हम उनसे जोड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दिख रही है श्रीनिधि घटाते दिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिद्धार्थ और सोमन साहब दिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अक्षय गुप्ता जो कि गीतकार हैं वो भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे काशी में मौजूद हूँ और आपको बस एक बार अंदाजा लगाना, मैं जरा सा एक लाइन बोलता हूँ और जैसे ही मैं एक लाइन बोलता हूँ सामने काशी में तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उसको गुनगुनाने लगते हैं। क्या बात है, राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोल राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। मैं सबसे पहले तो इसको रचने वाले जो हैं, इसको जो लिखने वाले हैं, उनको प्रणाम करना चाहूंगा। हालांकि पूरा टीम वर्क होता है किसी को कंपोज करना, किसी गीत को कंपोज करने के लिए, लेकिन ये लाइन इतनी सुंदर है कि कैची लाइन जिसको लोग ढूंढते रहते हैं मुंबई में कि वो कैची लाइन क्या होगी, कैच लाइन क्या होगी, वो यकीनन वो जो कैच लाइन आपने जोड़ी है, मैं सबसे पहले वहीं जाना पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये गाना आते ही यहाँ पे लोगों के दिमाग दलो दिमाग पे छा गया। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये दिमाग में कैसे, जब रच रहे थे तो किसकी मूर्ति सामने थी और क्या दिमाग में चल रहा था? ये तो साहब बहुत आसान काम था, क्योंकि जो जहन में था वो शब्दों में बाहर आ गया कि प्रणाम सिया राम, बोलो विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। तो वो जो विश्व कल्याण करने वाला शख्स है उसको तो पूरे विश्व को प्रणाम करना चाहिए, तो इसको सिर्फ मीटर में बिठाना जो कि सिद्धार्थ जी और सौमिल जी ने कमाल का बनाया था, वो बिल्कुल मन से जो पहला शब्द निकला वो यही निकला। तो एक्चुअली जब हम कंपोज कर रहे थे हमें एक ऐसे एक चांट जैसे कुछ चाहिए था जो मतलब कंटिन्यूसली पूरे गाने के थ्रू चले। करने में इतनी सरल धुन बनाई है, इतनी सरल धुन आपने बनाई है और इतनी कहना चाहिए क्या कि एकदम से लोगों के दिलो दिमाग में छा जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था कि वी वांटेड समथिंग जो एक चांट की तरह यू नो कंटिन्यूअसली गाने में स्टार्ट टू एंड आते रहे, जो एक मेलोडी ना 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 ना, ऐसे एक रफ मीटर मैंने अक्षय भाई को बोला था। हाँ, फिर उन्होंने तुरंत लिख दिया। सौमिल और मैं जब इसे कंपोज कर रहे थे तो हमें एक चांट की तरह वी वांटेड समथिंग जो पूरा चले एंड ही केम आउट विद दोस ब्यूटीफुल लाइंस। और हमें यही चाहिए कि कुछ सिंपल हो जो एक एक गाते गाते लोगों को ट्रांस में लेके जाए। जी बिल्कुल। और जो इन तमाम सारे उपक्रम को लिखे हुए गीत को, म्यूजिक में ढले हुए गीत को जो आप तक लेके आए, मैं उनके तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। श्रीनिधि मैं जानना चाहता हूँ जब आप गा रही थी तो आपके अंतर आत्मा में और मन में और क्या चल रहा था कि ये गीत है, ये प्रसाद है या वो गिलहरी जिसने अपना योगदान दिया था, वो लोग आज इसकी बड़ी चर्चा करते हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था?
मुझे जब ये गाने का मौका मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई, और जब हम भगवान श्री राम के लिए जब मैं गा रही, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सिद्धार्थ सौमिल का और अक्षत जी का भी, क्योंकि इतनी खूबसूरती से उन लोगों ने कंपोज किया है, लिखा है, और मुझे ये इतना खूबसूरत गाना गाने की का मौका मिला, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल। और ये हम सभी सभी लोग सिर्फ गाते रहेंगे राम सिया राम किया विश्व कल्याण। बिल्कुल ऐसे ही गाते रहें, गुनगुनाते रहें, और 22 तारीख को जो हम सारे लोग पहुंच रहे हैं, ये जो आपका प्रयास है वहां तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो टीम है, और न्यूज 18 नेटवर्क का ये जो एक पूरे पूरे कहना चाहिए जो गैलहरी की बार बार बात की जा रही है कि एक योगदान है, तो ये न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से ये एक गैलहरी योगदान है जो आज यहाँ पे प्रस्तुत किया गया यहाँ वाराणसी में तमाम लोगों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं एक बार, अगर आप कहें, आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार और सुना दूं, इसको सुना दूं? जनता कितनी प्यारी, तो एक बार और सुना दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई, आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है, स्वागत गान गाए जिसके लिए है, मन में करुणा जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका साथ दूं। यकीन मानिए, जो ये 5 साल वाले नहीं हैं, जो आपसे कुछ कहा करा कुछ ऐसा नहीं, जो मैंने कहा वो मैंने आपसे पूछा था ना, यकीनन मैं आऊंगा, वो तमाम सारे लोग। मैं भैया जी कहीं स्टार्ट करता हूं,
वो तमाम सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनका सबसे एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। समाजवादी पार्टी से मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ कि सारा माहौल राममय है, सारे लोग राम की जय जयकार कर रहे हैं, आपकी तरफ से विरोध का स्वर आता है तो लोग कहते हैं कि आखिर क्यों विरोध हो रहा है, क्यों विरोध करते हैं। जी मैं आपके पास भी आता हूँ। जी है राम के वजूद पे हिंदुस्तान नाज, हिंदुस्तान राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज है, और राम हमारे इमामुल हिंद है। वाह क्या बात है, हमारा कोई विरोध नहीं है। तो ये बीजेपी वाले, बीजेपी राजनीति कर रही है। देखो मैंने वादा किया था कि लौट के जल्दी आएंगे, आ गया। अब वो जो देवता आते हैं वो आ गए हैं, अब मेरे ऊपर आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए। बोले ये बीजेपी वाले राजनीति करते हैं, परेशान ना होइए मैं आऊंगा आपके पास। तो बीजेपी वाले राजनीति किस लिए करते हैं भाई, मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें कौन सी राजनीति है? ठीक है, स्वागत करते हैं। राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हमने माना, लेकिन 2024 लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए और समय से पहले प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, और एक लेटर आया गोविंद देव गिरी महाराज की तरफ से गणेश्वर शास्त्री जी को और उनके भाई को कि आप फरवरी के पहले जनवरी में शुभ मुहूर्त निकाल दें, इसलिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव था और उसके बाद में निकलता तो भाजपा इसका राजनीतिक करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। लेकिन राजनीति चचा कहा उतनी दूर खड़े हो, पास आओ ना, पास आ जाओ चचा, इधर आगे आओ ना, दिखा रहे आगे आओ चचा। हाँ बस 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 ठीक है, तसल्ली मिल गई, तस्कीन आ गया मुझे। हाँ खड़े रहो, चुपचाप चुपचाप खड़े रहो, बड़प चचा दिखा ले, जब तक चेहरे न दिख जाए मजा नहीं आता मुझे। हाँ करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 का चुनाव है, इसलिए मुहूर्त भी आपने जल्दी निकाल लिया जनाब ने फरमाया। मैं आ रहा हूं कांग्रेस आपके पास आ रहा हूं। देखिए चुनाव राजनीति अपनी जगह होती है, आज 500 साल का इंतजार प्रतीक्षा खत्म हुई और ये भगवान राम का ऐसा शुभ घड़ी आई है। सनातन परंपरा में आज शायद यह मुश्किल घड़ी है जब पूरा विश्व, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हृदय से वह राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, भगवान राम की। आज ये शुभ घड़ी हम काशी में हैं कि भगवान राम इस समय अयोध्या में वहां पर बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही दो नाम लिए इन्होंने, बोले कहा देखो 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 देखो, बस यही से राजनीति शुरू हो गई। वो जो दो नाम लिए हैं आपने, बस वहीं से लोगों ने कहा कि भाई क्यों, ये तो सुप्रीम कोर्ट से चल रहा था, है ना जनाब। हाँ मुझे मालूम था आपके, आपने जैसे ही मेरी आंखें मिली आपसे मुझे समझ में आ गया कि आपके दिमाग में सवाल क्यों कौंधा और कितना कौंधा। जी निश्चित रूप से देखिए, जैसा हमारे लाली साहब ने कहा है, बताया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राम मंदिर बन रहा है, उसमें राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुझे लगता है कि शायद ही हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति दुखी होगा, लेकिन आपको इनके भी सवालों का जवाब देना होगा। और इसके साथ साथ ही राम मंदिर की आड़ में आप हिंदुस्तान में बढ़ रहे बेरोजगारी की संख्या को, भ्रष्टाचार की संख्या को, और लोगों के सामने आ रही अप्रत्याशित रूप से महंगाई की समस्या से आप बच नहीं सकते हैं। आपको उसकी जवाबदेही के लिए जनता ने चुन करके दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे बना, हिंदुस्तान के एक लोगों ने उसका स्वागत किया और जो बन हो सकता है सब लोग कर रहे हैं। ठीक है डेट इन्होंने निर्धारित किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दी, आपके यहाँ साथियों ने भी कहा, लेकिन दो बात रखता हूँ। एक सिया राम मैं सब जग जानू, करो प्रणाम जोर जुग पानू, मतलब सबके अंदर राम के अंश है। दूसरा जो मोदी जी के ऊपर कहीं से सूट नहीं पड़ता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, लेकिन मोदी जी के साथ जस उल्टा है, जो कहते हैं उसको कतई नहीं। मैं बड़ी देर से सोच रहा था इनका वाक्य खत्म होने वाला है, मोदी जी क्यों नहीं आए। मैंने मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि कांग्रेस अपनी बात कहे और मोदी जी तुरंत ना आ जाएं, तो मुझे लग रहा था कितनी देर में आएंगे, लेकिन ठीक 59वें सेकंड में आ गए मोदी जी।
आ गए तुरंत आए मोदी जी, बड़े ध्यान से आप बैठी हुई हैं, अच्छा लग रहा है या बस यूं ही जबरदस्ती, मतलब कि किसी ने बोल दिया था आना है तो आप आ गई? हाँ जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज जो इंतजार ये फिर अच्छा लगेगा मुझे भी, आज जो इंतजार हमारा खत्म हुआ है एक और इंतजार रहेगा ज्ञान वापी का, उसका भी ऐसे इंतजार। और आप तो बहुत मगन हो गए, मैं देख रहा था बहुत मगन हो गए खड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? मैं मिसेस बनारस प्रियंका मिश्रा हूँ, 2023 विनर जूनियर कैटेगरी। और राम अच्छा हाँ तो बाकी लोग सारे लोग सारे ताली बजाइए जरा, कैसे जोरदार स्वागत करिए इनका, बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो में आई, और मुझे मेरा ये सौभाग्य कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, श्री राम भगवान का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है 22 तारीख को, हम अपने दियों से घर को घाटों को सब दिवाली के रूप में सजाएंगे वैसा मनाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि दिवाली साल में दो दो बार कैसे होगी, जब राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो दिवाली क्यों नहीं बने? बोले जब प्राण प्रतिष्ठा कभी भी बैठे हैं कभी बार लोग बैठे हैं, बोले जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो दिवाली दो बार क्यों, चार बार भी हो सकती है क्यों जनाब? क्या नाम आपने बताया था? साकिब। साकिब भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, बेशक पूछ लूं, आप दिया जलाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का पक्का। हाँ जी हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई, आज इस नाम पे इनको स्वागत करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम। अंदर आइए जल्दी से, जल्दी पहनाइए इनको माला, आज मेरे राजू जल्दी 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 जल्दी, और आपके काम की बात, आपके काम की बात वहाँ, आपको मैं 69,000 आपको वहाँ भी मिला, वृंदावन में भी, प्रयागराज में आपके लोगों ने कहा, ठंड में बैठे हैं बड़े समय से प्रतीक्षा में है कि न्याय हो, सहानुभूति पूर्वक मैं कहना चाहता हूं बहुत न्यायप्रियता के साथ इनकी बात सुनी जानी चाहिए, जरूर सुनी जानी चाहिए, बार बार कहता हूं, बारंबार कहता हूं, लगातार कहता हूं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु सिंह है। रेणु जी न्याय हो आपके साथ, और जो मैं काशी से लेके जा रहा हूं अयोध्या वो सुंदर छवि आपकी है, अंदर आइए ना, आपको गदा भी मिल गई? हाँ गदा भी मिल गई, ये प्रेम है काशीवासियों का। क्या नाम हो गया? साकिब भारत। साकिब, साकिब भाई को गदा भी मिली है, रामचंद्र जी का तस्वीर भी मिली है, और ये भारत का जो अभिमान है स्वाभिमान है जो आभा मंडल है वो भी मिला है आपको। ये सिर्फ इसलिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इतर धर्म से कोई बात है, मैंने बार बार कहा जिस बात से इन्होंने शुरुआत की थी वो शेर से, मैं वही फिर से कोट करता हूं, रुके मैं फिर से वही कोट करता हूं, और वो ये कहता हूं कि अगर देश का कोई एक लोकनायक, मैं क्षमा चाहता हूं शंकराचार्य के सामने कोई बात कह रहा हूं, देश का कोई अगर एक लोकनायक होगा, आप मत कहिए, आप मानते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते तो ना मानिए नबी, लेकिन मैं एक बात तो कहता हूं इस देश का नायक अगर कोई है और वो सुमंगल है, और नायक है तो वो है ही है सुमंगल, तो वो एक ही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उसके अलावा कोई नहीं, हमारी पहचान वही है। और जब मैं राम राज्य कहता हूं और जब मैं जैसा समझता हूं राम राज्य, उसका मतलब यह हुआ कि सबके साथ न्याय और समदृष्टा, समदृष्टा अगर है रुक जाओ हाँ हाँ मुझे मालूम है तो रुक जाओ मुझे मालूम है, एक मिनट चुप रहेंगे, अपना के पेट भर जाए बस। मैं जब अक्सर शो करता हूं मुझसे लोग पूछते हैं प्रतीक जी आप एक बात नहीं उठाते, मैंने कहा कौन सी बात नहीं उठाते, ओल्ड पेंशन वालों की बात नहीं उठाते, मैं कह देता ओल्ड पेंशन होनी चाहिए वकील साहब, होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए, फिर तब तक बगल में खड़ा होता है कहता प्रतीक जी एक बात आप नहीं उठाते, मैं कहा कौन सी, नौकरी होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं पहले नौकरी वाली बात करूं पेंशन वाली बाद में कर लूंगा जी। जी जनाब क्या नाम है आपका? राजेश जी क्या काम करते हैं? हम तो स्टेशनरी की दुकान है अपनी, अपना बिजनेस है यहीं सिगरा पे, हाँ। वही चलाते हैं, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। कहिए, वो तो मैं पहचान लिया, एक संत महोदय मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि अगर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई बिना मंदिर बने, क्योंकि मंदिर शरीर होता है और प्राण प्रतिष्ठा हो गई बिना शरीर के पूर्ण हुए तो अकाल होगा दीर्भिक्ष होगा, मैं कहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में
कि भाय कुभाय अनख आलसहूं, जपत नाम मंगल दिस दसहूं। जब जिसका नाम लेने से मंगल होने वाला है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने से कैसे मंगल हो। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान से भी पहले आप किसकी किसका पूजन करते हैं, तो बड़ा आसान है, आप कह देंगे कि हनुमान जी का। लेकिन मैं अगर किसी को पूजन पहले करता हूं तो गोस्वामी तुलसीदास का। ना तो उनसे ज्यादा कोई ज्योतिष में जानता था, ना कोई उनसे ज्यादा प्रकांड पंडित। इसी काशी ने उन्हें बाद में नवाजा भी, तो मैं तो इस बात से जानता हूं। लेकिन हाँ, ठीक है, प्रश्न आपने किया है। और मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपके पास रामचरितमानस जैसा ग्रंथ मौजूद था, इसलिए आपने आज एक बात कही। और किसके लिए कही, मुझे नाम दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शंकराचार्य मौजूद हैं। सुमेर रिपीट अभिनंदन करता हूं और फिर उनके पास जाता हूं। देखिए, एक सामान्य सा व्यक्ति आता है और प्रश्न का जवाब भी देता है। जी, भगवान राम की 22 जनवरी के प्रतिष्ठा को आधार लेते हुए ईश्वर संहिता, परमेश्वर संहिता, ताजिक नीलकंठी जैसे अनेक ग्रंथों में प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, और उसमें कोई भेद नहीं है, न कोई वितंडावाद है। लेकिन कुछ लोग अपने को सुर्खियों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए अनावश्यक विवाद, विषाद, भ्रम, झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जहां तक प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्रधानमंत्री को लेकर कि उनको नहीं करना चाहिए, तो यहाँ के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित और यज्ञ के जो जजमान हैं नृपेंद्र मिश्रा हैं, वो पूरे कार्य को अयोध्या में संपादित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मोहन भागवत या अन्य पदाधिकारी जो हैं, ये वहाँ भगवान का पूजन कर उसका लोकार्पण करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई शास्त्र या धर्म शास्त्रों का कोई भेद नहीं है, ना कोई इसमें वितंडावाद है, ना कोई विवाद है। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हाथी चलता है तो भूकते हैं। भगवान रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव की स्थापना किया, कोई मंदिर नहीं बना था। दो विधाएं हैं, गर्भगृह बन जाए, दरवाजे खिड़कियां लग जाए, रंग रोगन हो जाए, तो प्रतिष्ठा किया जा सकता है, उसमें कोई भ्रम या कोई अशास्त्री नहीं है। एक साल के अंदर परमेश्वर संहिता ये कहती है 6 महीना 1 साल 3 साल के अंदर दोबारा उसके शिखर का भी स्थापना हो सकता है। दोनों वकील साहब, बार बार हम आपको उठाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ घुटने में दर्द तो है कि नहीं है। नहीं है ना, बस यही, इसी वजह से बार बार उठाता हूँ मैं आपको। अब तो कोई संदेह नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। 22 तारीख को हम लोग दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। 22 तारीख को दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमन सिंह। सुमन जी, आप भी मनाएंगे 22 तारीख को? ये कहने की बात ही नहीं है, बगैर कहे मेरे ख्याल से पूरा देश उस दिन दिवाली मनाने वाला है। पूरा देश उस दिन दीपावली मनाने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर तमाम सारे लोग, मुझे कहने दीजिए, बार बार कहता हूं, यहां मौजूद हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। रूही जी आई हैं, उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। बच्चों के साथ न्याय हो और न्याय होता दिखे। जी, मैं इधर आया। हाँ, अब मैं इधर पूछ लूं यार। अच्छा बोलिए, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, जब राम भगवान 14 साल बाद वापस आए थे। क्या नाम हो गया? दिनेश कुमार यादव। हाँ, कहाँ से? बनारस से। अच्छा, यही खास में? जी जी। क्या काम करते हैं? मैं पार्षद, पूर्व पार्षद। यार वो अच्छा नहीं लग रहा, तुम उधर अंदर आ जाओ यार। अरे आ जाओ यार। हाँ यादव जी, आप बोलिए। जब आज राम भगवान 500 साल बाद हमारे अयोध्या में आ रहे हैं, तो हम दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? दिवाली तो जब 14 साल बाद आए तो हम लोग दिवाली मनाए, तो 500 साल बाद आ रहे हैं राम भगवान। और ये जो लोग कह रहे हैं कि साल में 2-2 बार दिवाली मनाओगे, अरे हम 5 बार मनाएंगे। और अगर यादव जी कहते हैं कि 5 बार मनाएंगे, तो समझ लो मनाएंगे फिर।
बाकी द्विवेदी जी आप कहें पांच बार तो मैं संदेह है मिश्रा जी कि पांच में कहो एक ही मना पाए, लेकिन अगर याद खड़ा रहो यादव जी अंदर आओ और बाहर कैसे गए, लेकिन बैठ जाओ, लेकिन अगर यादव जी ने कह दिया है तो कोई संदेह नहीं है मुझे, क्यों संदेह रहेगा, जानता हूं मैं, और वो निर्भीकता वो दिखती है, ये नौ युवाओं का दिवाली है, नवयुग की दिवाली है, और ये दिवाली में गुरु जी रुको, गुरु जी निपटेंगे कैसे, इनसे कैसे निपटेंगे, अरे इनसे कहाँ निपटने की, कहीं कोई समस्या नहीं है, इनसे निपटना नहीं है, भाई जैसे लोग हैं है? मैं चाहता हूँ देश रोज दीपावली मनाए, हाँ। देश में बेरोजगारी कम हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, देश रोज दीपावली मनाए अपने घरों में, ये देश खुशहाल हो, लोगों के बच्चे, अयोध्या वाली से क्यों इतनी नाराजगी, कहाँ नाराजगी है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आप देखिए 15 जनवरी को हमारे प्रदेश, आप बताइए आप जा रहे कि नहीं जा रहे, सुन लीजिए 15 जनवरी को अयोध्या जा करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जाके सरयू में स्नान करके अयोध्या दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब मोदी जी की सरकार बनी तो 5-6 साल इन्होंने सर्टिफिकेट दिया राष्ट्रवाद का, आजकल इनको धर्म का सर्टिफिकेट देने का नशा चढ़ा, आया सोचे थे आप आएंगे ही नहीं, आप तो ज्ञानवापी वाला लड़ रहे हैं जी, जी जी बताएं, हम सवाल हमारे पास है ही नहीं, आप ही बोलना है, प्रश्न देखिए सबसे बड़ी चीज है देश आज रोटी से ऊपर उठ चुका है, नया रोजगार की कमी है ना रोटी की कमी, वो देखिए उधर तो वो खड़े हैं, वो इधर कितने लोग परेशान हैं, रुको मुझे मुझे बात कहने दो, आराम से बैठो बात कहने दो मुझे, हाँ जी हाँ जी, हमने कहा कि रोटी से ऊपर उठ चुकी है, इस देश को राम चाहिए।